अरे वाह, अपना हीरो तो फेमस हो गया है। आदमी मेहनत करे और पब्लिसिटी ना हो तो क्या फायदा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग टी सर। गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग सर। देखिए अखबार में आपका फोटो छपा है, यू आर फेमस नाउ, बाहर दुनिया आपका इंतजार कर रही है। यस सर। It's all right, कुछ खास नहीं। सुनो, इसकी जरा और कॉपीज मंगवा लेना, you know? नहीं, वो यहाँ के लोगों के लिए बहुत exciting होता है। Yes sir. और कुछ सर? और कुछ? No, no, nothing. मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, कोई आए तो बिठाना, कॉफी वगैरह पिलाना। Yes sir. Right sir. Good day. Yes sir. Hi everybody. तो आ गया अंग्रेज। आ भाई आओ। तूने तो कमाल कर दिया। तिरुभी का लेटर आया है। क्या लिखा? लिखते हैं, जो काम आप नहीं कर सके आपके बेटे ने करके दिखाया है। अपने फर्स्ट सन जितू को अमेरिका भेजने की तैयारी करें। ओफो, कितनी बार कह चुका हूँ मैं, मुझे नहीं जाना है अमेरिका। अमेरिका क्यों नहीं जाना है? पान तंबाकू नहीं मिलेगा इसलिए। देखो देखो, योगेश शंकर की फोटो पेपर में छपी है। देखा देखा देखा, ये लीजिए, दहेज के खिलाफ युवा नेता का जोरदार भाषण। ये आपका अमेरिका रिटर्न, फैमिली की नाक कटवा रहा है। ये देखो देखो देखे देखे, कौन है तेरे साथ? अरे वही अमेरिका वाली तिरंगन है, और कौन? कहा था मत भेजो लड़के को अमेरिका। अरे लड़की ही दिख रही है, अखबार में फोटो छपी है, ये भी तो देखो। एंटी डाउरी मीटिंग थी, वहाँ पे स्पीच दी थी मैंने, लेकिन पता नहीं ये फोटो कैसे अटपटा छाप दिया, यू नो। क्या, कौन सी मीटिंग थी? लेकिन वो क्या करने आई थी वहाँ? वेल, टूरिस्ट है, इंडिया देखने आई है। इनफैक्ट आते ही माउंट आबू चली गई, यू नो। कैसे हो योगेश भाई? हाय भाभी, ये देखो। अरे वाह, अच्छी फोटो है, और वो भी फ्रंट पेज पे। योगेश भाई, अब तो आप फेमस हो जाओगे। इधर दो, ये सब करने भेज रहे हैं आप मुझे अमेरिका? अरे तू तो बाल बच्चे वाला है। ओह, आई मस्ट रश, आई हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट। ओके बाय बाय। तारीफ? ये तारीफ के काबिल कहाँ, लोग ज्यादातर गालियां देते हैं, भले मैं उनकी मदद करने के लिए आऊं। तो आप जर्नलिस्ट हैं? जी, मेरा नाम दर्शन सोलंकी है। या। और मैं स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस से हूँ। स्पेशल ब्रांच, आइए बैठ। सोचा वक्त रहते आपको खबर कर दूं। खबर तो मतलब आपने वो न्यूज़पेपर वाली खबर पढ़ ली है? ये मैं वो आज छपी खबर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कल छपने वाली है उसके लिए वार्निंग देने आया हूँ। मीन्स आज रात ठीक 12 बजे ट्रेड पड़ने वाली है आपके फादर की दुकान पर। क्यों? मेरा मतलब आपको किसने बताया? क्यों का जवाब तो आप जानते ही हैं। जो माल आप बाहर से अंदर लाए हैं उसे फौरन गायब कर दीजिए, वरना फौरन का माल गायब। फौरन, राइट राइट। लेकिन आपको पता कैसे चला? अखबार में फोटो देखा, नाम पढ़ा, सोचा इससे पहले कि आपकी इज्जत का फलूदा हो जाए। श्योर श्योर श्योर, हाउ नाइस ऑफ यू। आपको तो कन्वेंस मिलना चाहिए, यू नो, आने जाने का खर्चा। मुझे आपसे इसी समझदारी की उम्मीद थी। हाउ मच, कितना? थोड़ा कम नहीं हो सकता? होने का तो जेल भी हो सकता है, आपको, आपके फादर को। कब तक? कॉफी खत्म होने तक, आपकी और मेरी। मैं अभी आया, मैं इंतजार करूंगा। हेलो, अब प्लीज गिव मी 412301 प्लीज, क्विक प्लीज। हेलो, मैं योगेश बोल रहा हूँ। सुनो, दुकान में जितना भी फॉरेन का माल है उसे अंडरग्राउंड कर दो फॉरेन, और जीतू के हाथ 5,000 रुपये यहाँ भेज दो फॉरेन। ये बहस करने का वक्त नहीं है, कॉफी खत्म हो गई तो? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ, फॉरेन फॉरेन। ओके ओके,
आपको कैसे मालूम है? हेलो, आप मिस्टर पटेल? नहीं, आप मिस्टर पटेल? जी हाँ, आप मिस्टर पटेल, आई मीन वाई आई पटेल, आप? मैं विशाखा। ओ, मतलब कमरा आपका और नाम आपका? नहीं नहीं नहीं, ये कमरा मेरा है मिस, आई मीन वाई आई पटेल, योगेश पटेल, प्यार से लोग मुझे योगी कहते हैं। हाय योगी। हाय। आप नहीं आए तो मैं खुद चली आई आपसे। अच्छा, आइए ना आप। अब मैं इनका फैमिली फ्रेंड सोलंकी। यस। थैंक यू। क्या लेंगे आप, कॉफी, टी? नो थैंक्स। आपकी कॉफी? मैं पी चुका। आपकी ठंडी हो रही है? यस ऑफ कोर्स। आप अगर मिस्टर पटेल की शादी की सलाहकार हैं तो नो प्रॉब्लम, हम इनके सामने बात कर सकते हैं। बस एक टेलीफोन की घंटी बज जाए, बस इनकी कॉफी खत्म हो जाए तो बात बन जाए। बस आई डोंट माइंड, आप लोग बातें कीजिए, लोगों की बातों पे नजर रखना तो मेरा काम है। इंटरेस्टिंग। नाउ लुक हियर, ये हमारा प्राइवेट मामला है। फैमिली फ्रेंड से क्या छिपाना है? मुझे कोई इतराज नहीं मिस्टर पटेल। कॉल मी योगी। या कॉफी पी। या मैं भी आया। अच्छा आदमी है बेचारा। ग्रीन कार्ड होल्डर है ना? ये शादी के सलाहकार वाला क्या चक्कर था? आपको नहीं मालूम? आप तो उनके फैमिली फ्रेंड हैं। जी बिल्कुल नहीं। तो? मैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर। हाउ एक्साइटिंग! यही अहमदाबाद में? जी हाँ। तो फिर मिस्टर पटेल से किस सिलसिले में मिलने आए थे? वो मैं अभी नहीं बता सकता। और आप? जैसे मिस्टर पटेल अपने लिए एक वाइफ ढूंढ रहे हैं, वैसे ही मैं अपने लिए एक ग्रीन कार्ड होल्डर हस्बैंड ढूंढ रही हूँ। आपकी फैमिली भी यहीं रहती है? मेरी अभी शादी नहीं हुई है। क्यों? वो बात यूं है कि पैसे का ये आज तक अपने दुकान पर रेट पड़ी नहीं, ये चक्कर क्या है? इसको खबर मिली कैसे? देवू भाई, ये सब देवू भाई का खेल है। धीरू भाई को अनिला कामदार का एड्रेस पहुंचाया तूने, आईसी पटेल की दुकान पर कस्टम की रेट पड़वाई देवू भाई ने, समझा? बदला। पर खेल तो अभी शुरू हुआ है देवू भाई। बता, वो छापा मारा है कहाँ? ऊपर। नहीं सुनो, उसको जरा कमरे से जल्दी आउट करना हो रहा। क्यों? अरे वो इंटरव्यू वाली लड़की भी ऊपर ही बैठी है ना। हाँ बेटा, कड़वा कड़वा थूथू और मीठा मीठा। क्या है तो भाई? मीट माय ब्रदर मिस्टर जीतू भाई, और ये है मिस्टर सोलंकी। ये अबे वो दर्शना जीतू भैया, बड़ा भाव पड़ गए तेरे। मुझे क्या मालूम था, इसे कहते हैं संयोग। एक जमाने में हम दोनों राजकोट में पापड़े की दुकान में छोकरियां ताड़ा करते थे। अबे तमाकू चूना निकाल। चूना तो तू लगा रहा है यार। हमें कितने हैं? पूरे हैं। किनके बताऊं? घर की बात है। पर बिजनेस इज बिजनेस। क्यों विशाखा बहन? हाँ वो तो है, बिजनेस इज बिजनेस। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। अच्छा ऐसा है यार, इनके बिजनेस से अपने बिजनेस को अलग ही रखे तो अच्छा। चल निकल ले। अच्छा 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 विशाखा बहन। अच्छा योगेश भाई, फिर मिलते हैं। यार आप बोलिए। मैं क्या बोलूं, आप ही पूछिए ना। आप दोनों किस बात पर हंस रहे थे? फिर भी शोले के डायलॉग सुना रहे थे, वो है ना जहाँ धर्मेंद्र वाटर टैंक के ऊपर खड़े होके कहते हैं कि बसंती से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जान दे दूंगा। But what's so funny about it? वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, मुझे तो थोड़े थोड़े धर्मेंद्र के जैसे ही लगे। वेरी क्यूट है ना? हाँ मे भी अब थोड़ी काम की बात हो जाए। अरे मैं तो भूल ही गई। या मी टू। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया।
सत्य की खोज में निकली हुई आत्मा है मिथुन बाला। एक साथ अनेक पुरुषों के हृदय पर शासन करने वाली यह सुंदरी अपने इसी सिद्धि से मयूर नृत्य कर सकती है। जब इसकी विशाल आंखों के व्यास में कोई मूर्ख पुरुष आ बसता है, तब उसके जीवन की दिशा ये बाला बदल सकती है। उसके मोह वर्तुल में बंधा पुरुष उसकी उपासना में सुख का अनुभव करता है। खड़े हो जाएंगे, इधर आइए, ये जरा नोट कीजिए। ये क्या कर रही हैं आप? नाप रही हूँ, लेंथ 14 inches। ओके, ये सब क्यों? हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है ना, आपके लिए सूट्स कपड़े वगैरह तैयार करवा के रख दूंगी। बॉटम 14 ठीक रहेगा? या गुड इनफ। ओके, लिख लीजिए। पर मैं कह रहा था पहले थोड़ी बातें मुझे कीजिए ना। फेस 29। ओके, आपकी स्टडीज कहाँ तक? बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स 25। आपको हॉबीज क्या क्या है, मतलब कुछ गाना बजाना क्या? ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर 22। खाना बनाना तो आता होगा? ऐसा क्या आप पहले उंगलियां चाटेंगे और फिर कहेंगे सॉरी? शोल्डर 17। पूछने को तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए आदर्श पत्नी साबित होने का दावा भी करती हूँ और वादा भी। लाइन 28। अच्छा, आपको अमेरिका जाना कैसा लगेगा? 30, जैसे सपना साकार हो जाए। 32। और आपको पति कैसा चाहिए? करीब करीब आपके जैसा, 14 inches गला। बॉय बॉय। टेव भाई कहाँ है? अपने को क्या मालूम साहब, अपन तो नौकर आदमी है। उनसे मिलना बहुत जरूरी है मगनलाल, समझा करो। योगेश भाई, अपन को किधर भी बोलेगा ना अपन लेके चलेगा, लेकिन देबू भाई किधर है, क्या करता है, अपन को क्या मालूम? मगनलाल प्लीज, अपन की नौकरी का सवाल है साहब। अब अमेरिका जा रहे हो तो नौकरी की फिक्र क्यों करते हो? पन अपन का अमेरिका जाना किधर ना क्यों है साहब? मैं कर दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस, जेंटलमैन प्रॉमिस। जेंटलमैन प्रॉमिस। आइए साहब। पागल हो गए क्या? उसी बात में वो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। आपको क्या था ना? क्यों पागल के पीछे लट लेके पड़ी है? मुझे उस पैसे से क्या लेना देना? फटा हुआ दूध फिर नहीं जमता। गया था ना उस फिरंगिन के पीछे दूध मिलाते हुए, लातों के भूत बातों से नहीं जमते। जैसी करनी वैसी भरनी, देख लिया कच्ची जुबान का अंजाम। दका, मैं भी दवाई लेके आती हूँ। लगे ना लगे, अभी तो बहुत ब्लड बहना है। एक बात याद रखो गड़खड़दार, हमारा ब्लड भी खून है, कोई पानी नहीं। तुम भी याद रखो देवू भाई, घर फूंक के तमाशा देखना कोई ठीक बात नहीं है। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है जानते हो कहां गिरता है? टिट फॉर टैट भी तो होता है। बात का बतंगड़ बन जाएगा कह देता हूं। मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है देवू भाई। सारे शहर में आग लगेगी तो अपना घर भी जल जाएगा। लेकिन हमारी तो जेब कट चुकी ना, पूरे 5 का हाथ मारा है मालूम। तो फिर क्यों किसी के फटे पे हाथ डालते हो? अब 3 तिरा पे मिट्टी डालो, भूल चुक लेनी देनी है। अंत भला तो सब भला। हाँ, अब होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था सो हो गया। और इनसे पैगी आई, चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन वो पैगी है कहाँ? वो वही रुक गई है, किसी कुम्हार से मिट्टी के बर्तन बनाना सीख रही है। हाँ, तुम अपनी शादी की फिक्र करो, और एक लड़की देखना बाकी है तुम्हें, उसे देख लो। मुझे कुछ देखना करना नहीं है, बहुत हो गया अभी। अरे भाई, जो काम शुरू किया है उसे पूरा तो करना है। ओके ओके। ओह ओह, सॉरी भाई, सॉरी, माफ करना। थैंक यू। नो मेंशन। मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं जाना अमेरिका। रोते क्यों है?
इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल जाएगा। अमेरिका में क्या आदमी नहीं रहते? रहते होंगे, मगर वो तो दीदी को देखने आए थे। तो क्या हुआ, मंगनी थोड़ी ना टूटी। अगर वो तेरे नसीब में लिखा है तो क्यों तुम लोग मेरे पीछे पड़े हो? रोज के ही कपड़े पहने दो ना। क्या सोचेगा वो अपने लिए, लड़की को ढंग से कपड़े भी नहीं पहना सकते। देख देख तो चुकी है तू, अब बस जो जो पूछे बता देना। इसमें रोना क्या है, जो हम करते हैं तेरे भले के लिए तो करते हैं ना। चुप हो जा अभी तुम, तेरे पिताजी जाने के तो नाराज हो जाएंगे। क्या बात है, अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? इस बार कोई गलती ना होने पाए, जो पूछे उसका ठीक ठीक जवाब देना, समझे? मकर कन्या का राशिपति है शनि। उसकी गति शनय शनय गगन के उच्चतर लक्ष्य की ओर बढ़ती है। ये सब उसी ने बनाया है, मेरी छोटी बहन ने। योगेश भाई इसे भी देख लीजिए, शर्माइए क्या नहीं। बहुत शर्मीली है योगेश भाई। चलिए हम जरा अंदर बैठते हैं। ओके। नाम क्या है तुम्हारा, बोलो ना। अच्छा मैं पहले अपना नाम बताता हूँ। हाय, वाई आई पटेल, योगेश पटेल, प्यार से लोग मुझे योगी कहते हैं। बोल ना। देखो तुम अपना नाम नहीं बताओगी तो इंटरव्यू कैसे होगा? बोल ना। जी प्रगति। जी प्रगति, व्हाट अ फनी नेम। प्रगति, लवली नेम। कौन से कॉलेज में पढ़ती हो प्रगति? स्कूल में। स्कूल में? कौन से क्लास में? अरे बोल ना, कौन से क्लास में पढ़ते हो? टेंथ में। योगेश भाई किसी तरह का शक मत करना, ये बातें ठीक ठाक करती है। नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं था। लड़की देखी भाली इसीलिए जाती है योगेश भाई, लड़की का बोलना चलना तो देखा ही जाता है। वैसे ये तो गाना भी गाती है। Really? हाँ। Great, that's great. तो नाचना भी आता होगा? हाँ, जब इतनी सी थी ना तो विविध भारती में वो जो फरमाइश नहीं आया करती थी उस पे खूब नाचती थी। वैसा आप जैसे चाहोगे वैसा नाचती रहेगी जिंदगी भर। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, लड़की का इतिहास भूगोल तो पूरा मालूम होना ही चाहिए, पता नहीं बाद में क्या हो जाए। जा बेटा, योगेश भाई के लिए पानी लिया। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ का पानी पीता नहीं, मैं मिनरल वाटर पीता हूँ। सो तो क्या हुआ, जा बेटा पानी लिया। नहीं मुझे नहीं चाहिए, रहने दीजिए। मैंने कहा ना पानी लिया। देख लो इसकी चाल भी देख लो। ये आप कर क्या रहे हो, मुझे पानी नहीं चाहिए। प्रगति वापस आओ, मुझे I don't want any water. एक मिनट, मैं अभी आया। ये क्या बचपना है, इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल जाएगा, क्यों अपने नसीब को ठोकर मार रही हो? इसके आंसू पोछो और उसे पानी लेके वहां भेजो। कहा था ना बड़ी शर्मीली लड़की है, पहली बार लड़की देखना देख रही है ना, इसीलिए। या आई नो। सुनो, तुम हाँ कह दो,
मैं अपने पैर कटवा कर अपना कद छोटा कर लूंगी। यही साला अमेरिकन रिटर्न होगी। जिंदगी कितनी अजीब है। अब देखिए यह कहानी भी अजूबा बनती जा रही। 10 एपिसोड हो चुके हैं, 12 लड़कियों को देखने की योगी की प्रतिज्ञा भी पूरी हो चुकी है। जगह जगह पात्र फैले हैं तो जाहिर है सूत्र भी बढ़ रहे हैं, और मैं वहीं का वहीं अकेला सूत्रधार। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले कहानी नाक की सीध में चलती थी। अब नए जमाने की नई बात, इस सदी का हाथी तो निकल चुका है, बस दुम बाकी रह गई है, उसी की चिंता है। इसीलिए विदेश से भानुमती का पिटारा ये कंप्यूटर इंपोर्ट किया है। तो चलिए इसी से पूछते हैं।